प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अभी हम जरा बात करते हैं सियासत के मौसम की। सियासत के मौसम में काफी सारे उतार चढ़ाव नजर आते हैं और ये उतार चढ़ाव मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि ये आज के नहीं, गुज़रा 4 से 5 माह में जो पाकिस्तान की सियासत में एक तलातुम सा आया और जो कुछ इसमें तब्दीलियां आई वो तब्दीली वालों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। साथ में एक नई वेव नजर आ रही है। खान साहब जिस तरीके से अवामी मकबूलियत के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं, हमने देखा कि जिस तरीके से 13 और 14 अगस्त की रात को जिस अंदाज से खान साहब ने एक बड़ा मैसिव जलसा किया जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। साथ में उसी दिन एक और बड़ा इवेंट हुआ जबकि पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया। ये दोनों चीजें एक ही दिन हुई, एक ही वक्त में हुई, लेकिन इसमें कुछ चीजें देखने में आई। एक चीज जो सबसे ज्यादा अहम थी कि जब खान साहब का ये जलसा हो रहा था तो इसकी जो ऑनलाइन व्यूअरशिप थी लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि तादाद जलसों में जलसा गांव में एस्टिमेट करना यकीन तौर पे एक अंदाजे का काम होता है, लेकिन जब ऑनलाइन व्यूअरशिप की बात होती है तो जो डेटा होता है वो हर चीज बता देता है, आया हो जाती है हर चीज उससे। तो खान साहब के जो जलसों की व्यूअरशिप जो आई वो तकरीबन 10 मिलियन से अबव थी, जबकि जो पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको आम तौर पे अवामी एतबार से ज्यादा मकबूल होना चाहिए था वो शायद उसका एक परसेंट भी हिस्सा या 2% भी हिस्सा ना था। तो इसी हवाले से जरा बात करेंगे, जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ तजिया कार, इनसे जानते हैं कि इनका मौकफ क्या है और अवाम में जो बढ़ती हुई मकबूलियत है खान साहब की और अगस्त के महीने के हवाले से जो कुछ बातें की जा रही कि एक बड़ा महीना होने जा रहा है, बड़ी तब्दीलियों का महीना होने जा रहा है, इसमें कहां तक सदाकत है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मनीर। जहांगीर साहब जो कुछ हुआ पस मंजर उसका बताएं, क्योंकि जो खाका है वो तो मैंने आपके सामने रख ही दिया है। जी जी, देखिए बड़ी अफसोसनाक बात ये है कि ये लोग जो है अभी वजीर आजम है, उनकी टीम है और उनकी अलाइड है, जितने भी अलाय हैं वो एक दर्जन से कम नहीं है, ठीक है। और जो इन्होंने चैलेंजिंग लिया कि बहुत ही कोई बात हो जाता अगर जो है वो इमरान खान को हटाने में कामयाब ना होते। और तो आज की हकीकत आप ये देखें, अगर आप जमहूरी मुल्क हैं और जिसके साथ जमहूर लोग हों यानी अवाम लोग हों उसकी बड़ी अहमियत हो, अगर आप जायजा लें तो दोनों के जलसे की जो आपने हवाला दिया है वो है तंगेज तौर पर, ये आपने सही बताया कि इमरान खान की जो जलसा था उसकी जो पब्लिसिटी उन्होंने की, कुछ भी की, पॉपुलैरिटी थी, पब्लिक पॉपुलैरिटी का तो मतलब ही पब्लिक पॉपुलैरिटी उनको इतनी ज्यादा हासिल थी कि टेक्निकली नॉकआउट जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल गिर जाना, ऐसे नजर आता कि ये जो अभी जो बान पति का कुंबा जो है ये जुड़ा हुआ है इलेक्शन के इंतजार में है, ये तो पहले ही राउंड में छित नजर आ रहा है। क्या इनको प्रोपेगेंडा नहीं करना था, क्या इनको जो है हुकूमत चलानी नहीं आती, क्या इनके पास तजर्बा नहीं है, क्या इनके बड़े बड़े सियासी चौहादरी मौजूद नहीं है, इनके पास क्या कमी है? एक इमरान खान को पीछे हटाना कोई ज्यादा मुश्किल मरा लगा, लेकिन वो कहते हैं कि वो नफ्सियात जानते हैं इमरान खान, तो आप नफ्सियात नहीं जानते, आप क्या जानते हैं फिर? आप जो उनका पब्लिक जो है मैंने खुद देखा, मैं विटनेस कर रहा हूँ कि जिस तरह के वहां पब्लिक में और जलसे जुलूस हुए, फायर वर्क हुआ, ये कुछ हुआ, इसमें देख के हैरत हो रही थी, जो लोग दीवाना गार्ड है वो हिस्सा ले रहे थे। तो ये एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें इन्हें अकल पकड़ने के लिए, जागने के लिए, बेदारी के लिए बहुत जरूरी है, वरना ये मलियामेट हो जाएंगे। इनको 1.5 साल की जरूरत नहीं होगी इस हुकूमत के तहत को चलने के लिए। जहांगीर साहब एक चीज के ऊपर जरूर रोशनी डालिए, कथा कलामी की माजरत के एक तबका है सियासत का, वो कहता है कि जलसा गांव में लोग इसलिए चले जाते हैं कि वहां पे एक एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, लोग वक्त गुजारी भी कर लेते हैं, कुछ शुगल तफरी भी हो जाता है, और जबकि 13 और 14 अगस्त वाली रात हो तो लोग आमतौर पे घरों से बाहर होते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन व्यूअरशिप थी, जो लोग घरों में रह के वो मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे थे, अपने सोशल मीडिया पे देख रहे थे, उनका क्या कहा जाएगा? क्या वो लोग जो करोड़ों की तादाद है, क्या उसको फरामोश किया जा सकता है, उसको राइट ऑफ किया जा सकता है? एक बड़ी अजीब सी बात है। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब के यहाँ तो कौमी तराने होते हैं और गाने होते होंगे, या कौमी तराने भी उनके यहाँ होते हैं,
क्या इसके अंदर जो लोग आते हैं वो किस बुनियाद पे आते हैं? अगर इनके पास आते हैं तो नाच गाने की बुनियाद पे आते हैं। नाच के तो पूरा मुल्क जो है नाच गाने के जो है वो डांस बना हुआ है, फ्लोर बना हुआ है, हर जगह नाच गाने की जरूरत है कि वो इसी में है। कोई ना कोई कशिश, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई खूबी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। ये आप इसको कितने अनजस्टिफाइड और जस्टिफाइड समझ रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो सारे मिलकर खेल रहे हैं ना, अभी तो डॉलर भी नीचे आ रहा है, तकनीक की शोहरत दुरुस्त नहीं हुई है, इनको कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। ये तो बहुत ही रिवायती अंदाज की गुफ्तगु करते हैं। ये समझते हैं भाई इंसान को भूख लग रही है, उसके पीछे तो एक नक का मसला है, उसको बाहर की जो धमकियां होती है वो भी एक मसला है, वो अपनी वो इज्जत के लिए, अपने कौम की इज्जत के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। उसके सारे बयान ही ठीक है समझे, और ये बयानियां भी जो है अपने एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। क्या है एस्टेब्लिशमेंट? लेकिन जावेद साहब एक चीज के ऊपर मैं चाहूंगा जरूर आप गुफ्तगू करें, ये मुझे बताएं कि मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तो यकीन तौर पर जमीनी हकायक से वाकिफ भी होंगे, वो कौन शख्स था जिसने शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया कि ऐन उस वक्त कौम से खिताब किया जाए जब खान साहब अपना जलसा कर रहे हैं और जब देखा जा रहा है कि जलसा अपने फुल स्विंग पे है, एक अपने मकबूलियत की चोटियों पर नजर आ रहा था, किस शख्स ने मशवरा दिया होगा कि 13 अगस्त को ये कौम से खिताब किया जाए? हालांकि 14 अगस्त के दिन वजीर आजम कौम से खिताब कर सकते थे, कौम से गुफ्तगू कर सकते थे, एक बेहतर टाइम पे कर सकते थे, मौका भी होता, मुनासबत भी होती और कहीं ना कहीं कंपैरिजन का मामला नहीं होता, क्योंकि उस वक्त खान साहब स्क्रीन पे नजर आ रहे थे, कंपैरिजन हुआ, लोगों ने देखा, वाज़े कंपैरिजन नजर आया इसमें। बड़ी दिलचस्प बात फिर आपने कर दी, तो ये कि वजीर आजम जो ना हमारा वजीर आजम ये वाले वजीर आजम ये तो कौम के बाबा समझते हैं अपने आप को, अब यौम आजादी है, 75 साल है, तो अब तो ये इनको खिताब भी करना है, और ये जो आ भी गए उसी स्टेज पे अब देखे जा रहे हैं, सब कुछ है। अब इस तरह की सूरत हाल में इनको ये समझ रहे हैं हमें तो कौम, हमारे पास तो इख्तदार है, हम तो इख्तदार के तर्जुमान है, हम तो रियासत की तरफ से बात कर रहे हैं, हम तो दीदार कर रहे हैं, हम तो इसके कौमी लीडर है। नहीं, हकायक इसके बरस जा रहे हैं, जो 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 इमरान खान से नफरत करते हैं वो भी फिक्र में पड़ गए हैं, जो उनको जो ना समझते हैं कि ये जो है सकनी बोलते हैं और ये ड्रामा करते हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो भी फिक्र में पड़ गए हैं कि अगर वो ड्रामा कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो ड्रामे से फायदा होता है, एडवांटेज ले रहे बकौल उनके, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप जो ना मिस्टर इस्माइल को ना पूरी दुनिया कह रही है फेलियर वजीर खजाना है, चीजें ऐसी 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 बातें करते हैं जो इंसान की मिंटक लॉजिक में आती नहीं है। वो कह रहे हैं 36,000 रुपए का हमने फिक्स पैक लगाया था सबके लिए, वो कह रहे गलती हो गई जनाब, अगर वो अगर गलती करते तो यू टर्न हो जाता, बहुत बड़ा यू टर्न हो जाता। इनके गलतियों में गलती हो रही है, टैक्सेस कुछ करते हैं, क्लेम कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, और कितना टैक्स लगाएंगे? और जागीर साहब आपने मुआशी इस तरफ इशारा किया, आपने वजीर खजाना का की तरफ इशारा किया, मुझे एक बात जरा समझाएं, आवाम भी जानना चाहती है कि एक जानब जो आर्मी चीफ ने जो मामलात को संभाला और जो पाकिस्तान का और आईएमएफ के हवाले से मामलात थे, अमेरिका के हवाले से जो मामलात थे, उसके पीछे चाहे कोई इनकार करे, चाहे कोई तस्लीम ना करे, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि आर्मी चीफ अगर ना होते तो शायद इस वक्त आईएमएफ के मामलात इस तरीके से हैंडल ना हो रहे होते, दीगर दोस्त ममालिक के तरीके साथ जो मामलात है वो हैंडल ना हो रहे होते, तो गवर्नमेंट तो शायद कहीं ना कहीं आर्मी चीफ की जो माशी सतह पे जो इंटरवेंशन थी गवर्नमेंट को तो नुकसान दे रही है, हालांकि इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ। एक बात ये देखें कि ये कहते हैं कि वो न्यूट्रल रहे, कुछ कहते हैं वो न्यूट्रल रहना चाहिए उनको, कुछ कहते हैं कि वो न्यूट्रल हो गए, उनका कोई किरदार नहीं है। अरे जब हुकूमत फेल और फ्लॉप की तरफ जा रही है तभी तो वो कुवतें सामने आ रही हैं जिनको आईनी तौर पर कहते हैं कि आना नहीं चाहिए, तो तुम चलाते थे ना, अभी कहीं तो वजीर आजम है उन्हें वो फोन कर रहा है, वो सबीर उनको बात कर रहा है, तो मुल्क कौन चला रहा है और अब किसकी तरफ किसके फोन, और आपको कोई एतराज होता है कि अगर वो किसी मुल्क के वजीर आजम से बात करते हैं, कई वजीर आजम से वो इमदाद ले रहे हैं,
और वो इस मुश्किल वक्त में अगर सहारा बन रहे हैं तो कल कैसे कहेंगे ना आपसे तो मुल्क चली नहीं जाता। तो ये तो सवाल है ना जहांगीर साहब, सवाल तो असल में यही है कि आज हम देखें कि डॉलर 212-13 रुपए की सतह पे आ गए, एक बड़ा रिवर्सल है, तारीखी रिवर्सल है। आज गवर्नमेंट चाहे भी तो उसको क्लेम नहीं कर पा रही, ये बोझ भी तो तारीखी था, बदतरीन तारीख की बदतरीन चोटी पे पहुंचा, अभी उसके अंदर से नीचे आ रहे हैं तो ये खुश हो रहे हैं। भाई आपका क्या किरदार है, अभी तो आपके पास स्टेटमेंट का गवर्नर नहीं होता, आपके मुल्क के लिए आपको पता नहीं है, आपको इसहाकदार जो साइंटिस्ट कहलाते हैं इकोनॉमिक, जो इकोनॉमी के साइंटिस्ट हैं वो अपने नंबर बनाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए इस मुश्किल वक्त में आ नहीं रहे। भाई तो जब आप इतने बड़े हैं और आपने पिछली दफा सब कुछ रोक कर रखा था तो इस आप ये मुमलिकत को आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं आ रहे हैं, बुरे हालात हैं, सारे टैग उन पर हो जाएगा, सारे इंतजाम उन पर आ जाएंगे, फिर वो भी हो जाएंगे। एक बहुत जहन का जो है लोगों ने एक तराशा का बुत है वो नीचे आ जाएगा। हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, मुल्क की मुमलिकत की तौर किसको पड़ी है। ठीक हो गया जहांगीर साहब, आपने यकीन तौर पर बड़े दो टोक अंदाज में तजिया किया और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इस बारे में भी तजिया करेंगे, आपके साथ बैठेंगे तब कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी की इत्तला उसमें कहां तक सदाकत है। लेकिन आज क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा है तो आपसे इजाजत चाहेंगे, आपके मौकफ का, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन तौर पर जो कुछ हमारे सीनियर जहांगीर सैयद साहब ने फरमाया, सवाल जरूर खड़े हुए और ये जानना होगा कि मौजूदा वजीर आजम को किसने इस बात का मशवरा दिया कि वो ऐन उस वक्त खिताब करें जब यहाँ कंपैरिजन होता हुआ नजर आया, और उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये कंपैरिजन हुए, ये कंपैरिजन देखे गए और ये कंपैरिजन ने गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक्सपोज किया। और जहां पे मुल्क के वजीर आजम की बात होती है तो मुल्क का वजीर आजम वो शख्स होता है जो अवामी तौर पे ज्यादा मकबूल हो, जिसको अवाम सुनना चाहती है, जिसको अवाम पसंद करती है। ये जमहूरियत है, ये हमारी डेफिनेशन नहीं, जो जमहूरियत है वो यही है कि लोगों की हुकूमत लोगों के लिए हुकूमत, रूल फॉर पीपल, रूल फॉर द रूल फॉर पीपल, और उसका जो असर है वो लोगों के लिए होना चाहिए। तो ये पैमाना था जो उस दिन काफी हद तक एक्सपोज हुआ, और इसके एक्सपोज होने की वजह यही थी कि किसी ना किसी शख्स ने तो शायद मशवरा दिया था कि मौजूदा वजीर आजम को वो मशवरा देने वाला शख्स कौन था, इसका तायुन होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि माशी एतबार से जहां गवर्नमेंट इस बात को क्लेम करना चाहती है कि माशी रिवाइवल जो हो रहा है उनके पीछे हमारे मामलात हैं, हमारी पॉलिसीज, कहीं ना कहीं इसमें भी चूक हुई, क्योंकि मौजूदा सिनेरियो का जो तमाम तर सहरा जा रहा है वो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के सर जा रहा है। उनकी इंटरवेंशन, उनकी पर्सनल एक एफर्ट की वजह से ये जो आज डॉलर हम देख रहे हैं कि नीचे किस तरफ आ रहा है, आईएमएफ की तरफ से अच्छी खबरें आ रही है, दोस्त ममालिक तरफ से अच्छी खबरें आ रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छाई हो या बुराई गवर्नमेंट के लिए मुश्किल जरूर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। आज के लिए प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा है, अपने मेजबान मुनीर में इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।